सब अच्छे होंगे ये उम्मीद करती हूँ। वेलकम टू कारज व्लॉग। और आज का जो दिन है हम जा रहे हैं घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कृष्णागिरी डैम इज द प्लेस। तो अभी क्योंकि मॉनसून का वक्त है और मतलब लॉन्ग ट्रिप्स थोड़ा अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि ऊटी कोडाईकनाल ये सब मतलब इट्स नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू ट्रैवल। तो एक बार मैं भी बस इस मॉनसून के खत्म होने का वेट कर रही हूँ ताकि मैं और लंबे लंबे ट्रिप्स पे जा पाऊँ। बट फिलहाल कृष्णागिरी डैम इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वीकेंड गेट अवे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो चलिए फटाफट उसे एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुंचाती हूँ मैं कि वो एग्जैक्टली लोकेशन है कैसा, वेदर इट इज वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस और नॉट, है ना। तो चलिए, सो ये हमने फुल टैंक करवा ली अपनी अल्कज़ार की और हम निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। से हेलो, से हाय मिस्टर डीके। हे वालू, एंड समबडी इज हैप्पी टू लिसन टू दिस सॉन्ग। कृष्णागिरी डैम है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कुछ अराउंड 80 किलोमीटर्स पे है। तो निकल गए हैं हम लोग, बारिश हो रही है और कुछ अराउंड हमारा 70 किलोमीटर्स का जर्नी अभी बाकी है। तेरी आज विवान ना गाड़ी स्टार्ट होते साथ सो गया है, देखिए उसको पीछे कवर अप करके हमने सुला दिया है। आइए, NH44 जो है ना, अमेजिंग है, मजा आ जाता है इस पे ड्राइव करके। रोड्स इतने ब्यूटीफुली बने हुए हैं और दोनों तरफ ये फॉरेस्ट का नाम सनामा रिजर्व फॉरेस्ट है और उसके बीच से ये रोड्स पास होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मतलब ग्रीनरी दोनों तरफ, आप बीच में ड्राइव कर रहे हो। बात बताइए, वो पहाड़ भी आपको शिवलिंग के शेप का दिखता है क्या? मेरे को एकदम शिवलिंग जैसा लगता है वो पहाड़ जो है। सर करे नहीं दिखता, वो टेढ़ा है थोड़ा, देखो ना राइट की ओर। फ्लाईओवर पे चढ़ना है, नेचुरल शिवलिंग है वो। फ्लाईओवर पे चढ़ना है राइट, हाँ, उसके नीचे उतर के लेफ्ट में रहता है चिटू मुर्गन इडली। इडली में फाइनली रुके हैं इस बार और टाइम हो रहा है कुछ 1:45 और हमारी डेस्टिनेशन जो है ना यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर्स पे है। तो हमने सोचा है कि यहाँ से फटाफट कुछ पैक कराएंगे और फिर खाने का मतलब मील्स वगैरह पैक कराएंगे और फिर वहाँ जाकर कृष्णागिरी डैम पे थोड़ा आराम से घूमेंगे फिरेंगे फिर खाएंगे। जस्ट एक चाय पिए हैं और मील्स हमने आज पैक करा लिया है कृष्णागिरी डैम में खाने के लिए। कृष्णागिरी के टॉल से स्ट्रेट आकर के ना राइट टर्न लिया है। हमारी एक अंडर पास मिस हो गई थी, बस आप प्रॉपर जगह से गूगल मैप्स पे टर्न आप ले लेना।
नहीं तो वैसे भी थोड़ा सा आगे निकलने से ना एक यू टर्न लेकर के फिर आपको नीचे से टर्न लेकर आना पड़ेगा जो हमने किया। ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं यहां से फॉर द डैम। वाओ व्यू लुक्स ब्यूटिफुल, मस्त वाला दिख रहा है यार। जस्ट सी द रोड। मम्मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डैम? कृष्णागिरी डैम। या कितना मस्त लग रहा ना देखो, वो एकदम सिर्फ ग्रीनरी, सामने में हिल छोटू सा। ये रूट ना मस्त हैपनिंग रूट है, रोड्स अच्छे हैं, ड्राइव अच्छा लगता है इस रोड पे काफी, जो NH-44 है, और मतलब एंटायर एक्सपीरियंस इज एट अ डिफरेंट लेवल एक्चुअली। चलिए देखते हैं ये जगह है कैसी एक्चुअल में। कार पार्किंग आई थिंक हमें यहीं पे करनी। यहाँ भी नो पार्किंग का लगा रखा है भाई साहब, किधर पार्क रहे। वाओ यार उधर जंगल में एक तो वॉक करने जाऊंगी मैं। चिटू या लेपर्ड वगैरह दिखेगा क्या? चिटू चिटू लेपर्ड रूट रिकैलकुलेटिंग। वाओ यार मस्त वाला जंगल है, काफी खूबसूरत दिख रहा है। हाँ ये रास्ता है, हम फिगर आउट कर रहे हैं फिलहाल की पार्किंग किधर करनी है। So, let's see. और आगे से घूम के आ जाए क्या? हाँ, this view is very beautiful. ये से क्या है मामी? आगे से क्या है? जहाँ पार्किंग करके सब अंदर जा रहे हैं वहाँ। ये तो so, अच्छी सी जगह लग रही है। तो ये उसका एंट्रेंस है कृष्णगिरी डैम का, हम क्विकली एंटर करने वाले हैं। बस यहाँ शायद कुछ टिकट लगता है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एंट्री फी वगैरह क्या है। सो हियर इज द टिकट काउंटर। तो 5 rupees पर पर्सन कुछ टिकट चार्ज करते हैं, विच इज नॉमिनल आई थिंक, मतलब मस्त है। देखो भाई पूरी पूरी फैमिली है क्यूट सी बाइक में बैठ के, वो क्या कर रहा है? कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो, है ना। ओ तेरी डैडी मंकी आ गया, सब भाग गए भाई। मंकी बहुत सारी है, ये लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ये लड़ गए। यार जगह ना बहुत अच्छा है ये, मतलब काफी ग्रीनरी के बीच में है और मतलब लैंडस्केप भी काफी अच्छा है। देखिए वो पहाड़ वगैरह कितना खूबसूरत दिख रहा है, ओवरव्यू इस जगह का, काफी ग्रीनरी है। बट वही आपको बंदर से थोड़ा बचना पड़ेगा, हम तो खाना वाना पैक करा के ले आए हैं आपके साथ, श्योरली इनसाइट शेयर करेंगे कि व्हाट कैन बी द राइट प्लेस अगर आप खाना वाना के साथ आ रहे हो तो यहाँ बैठ के खाने के लिए, है ना। सो ये हम लोगों का फाइनल जगह इस पेड़ के छांव के नीचे, हम मस्त वाला बैठ के खाना खाएंगे, है ना। मिस्टर डीके ऑलरेडी विराजमान हो चुके हैं, आसन ग्रहण कर लिए हैं, अब हम लोगों को बस टूट पड़ना है खाने पे, टूट पड़ना है। सो ये हमारी मुर्गन इडली का पैकेट, और इनफैक्ट मील्स है ये, और पूरा अच्छे से पैकिंग करके दिया है, हम फटाफट अब इसमें बिंच करेंगे। मेरी सबसे फेवरेट डिश यहाँ पे है, देखिए मैं दिखाती हूँ, केसर भात, केसरी भात ना, केसरी भात, यस। Thank you.
है ना बहुत खूबसूरत है फॉर अ डे आउटिंग. आपको ये ना बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी अगर आप आओगे. जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर, दैट्स इट. मस्त वाली जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. और पता है क्या कॉमेडी हुआ, अभी हम ना खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते ही बारिश आ गई तो फटाफट जल्दी 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 खाए. Surely, आपको ले चलूंगी वहां भी. वहां पे स्टेयर्स बहुत सारे बने हुए हैं which you can definitely take. इस डॉग्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं. कृष्ण भगवान का है, कितना सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत है यार ये. Look at this place. Wow. So beautiful. Come, let's see. प्लेस मतलब मुझे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा यार, बारिश हो रही है और इस जगह का खूबसूरती, मतलब मैं क्या बोलूँ. आई कैन रेट दिस प्लेस 10 out of 10. तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जहाँ मैं हूँ. सो रेडी, सो जस्ट टेक अ फील ऑफ दिस प्लेस. इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल. वो दूर में जो छोटे छोटे हिल्स और ये डैम का पानी, it's looking so beautiful. Just take a feel of this place. Wow, so serene, so peaceful. What a beauty. मैंने ऑनेस्टली जितने भी वीडियोस देखे हैं ना इस जगह के, मुझे ना ये प्लेस बहुत ही एवरेज लग रहा था इन वीडियोस में. बट आपको यहाँ का ट्रू ब्यूटी एंजॉय करना है ना, तो आपको इस जगह पे आना चाहिए एंड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस फॉर श्योर. इट्स अमेजिंग, लुक एट एवरीथिंग, द माउंटेन, आई मीन सो सॉरी द हिल, है ना, जो हिल सराउंडेड है, पूरी दूर दूर तक है और आंखों को इतना सुकून दे रहा है ना ये जगह. मैं भाई मैं क्या बताऊं, मैं ना लॉस्ट हो गई हूँ इस जगह में. इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना, मतलब इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. आप आराम से आके यहाँ पे खाना वाना पैक करा के लाओ, जैसा हमने किया, पैक करके आके यहाँ पे बैठ के खा लो और फिर इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो, है ना. मानसून में, मतलब क्योंकि बारिश का भी सीज़न है, आप ज़्यादा कहीं बाहर बहुत ज़्यादा अगर नहीं जा पा रहे हो, you can definitely do this. It's a beautiful place to be in. Just look at this dam, yaar. Wo bahut khoobsurat hai. Wow. और देखिए हम यहीं कहीं नीचे बैठकर खा रहे थे.
और मतलब इसी तरह का कुछ लैंडस्केप है, आप वो जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हुए ना इस तरह के पार्क में, मतलब खाना अलाउड है, आराम से बैठ के खा सकते हो, बस मंकी से थोड़ा खुद को बचा के एक कुछ डंडा वंडा साथ में रखने से ना आराम से आप कर सकते हो। देखो चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी है यार, इतनी खूबसूरत होगी ना, ऐसा लगेगा बादल उन सब पहाड़ों पर उतर आया है, मतलब इतना खूबसूरत दिखेगा ना, इधर डैम उधर पार्क, लुक एट द स्काई, इतना सब कुछ खूबसूरत दिख रहा है। दिस इज द डैम, काफी आवाज है यार, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल, पूरा एकदम मस्त वाले फोर्स में पानी आ रहा है यार, मतलब मैं ना इतना क्लोजली पहली बार देख रही हूँ, आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, इट्स ब्यूटीफुल, जस्ट सी, वाओ। जगह बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे आकर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, इट्स डेफिनेटली 10/10 वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस, आराम से आओ घूमो खाओ पियो और फिर रिटर्न हो जाओ वन डे ट्रिप के लिए बैंगलोर से, ये प्लेस आई गिव इट अ थम्स अप, बहुत ही खूबसूरत जगह एंड बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, आपको स्कैटर्ड 10-20 लोग मिलेंगे अभी, क्योंकि थोड़ी ऑफ बीट टाइप की प्लेस है, उतने ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, और कुछ 5 रुपया का टिकट है यार बस इस जगह का, तो मतलब कितना मस्त है, वर्थ है एकदम एवरी 50 रुपया भी ले तो मतलब मना नहीं होना चाहिए ये जगह को देखने के लिए, इतना खूबसूरत है ना। तो चलिए फटाफट चलते हैं, ये जगह का व्यू हमने ले लिया है एंड इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, अब हम फटाफट निकलेंगे यहाँ से और आप देखते हैं क्या करना है, चाय वाय का आज अरेंजमेंट करके लाए, बट ट्रस्ट मी आप मुझे थैंक्स बोलोगे इस जगह को विजिट करने के बाद, इतना खूबसूरत है ना ये जगह, एंड ये सरस्वती माता, चलिए आशीर्वाद ले लेते हैं, सिर्फ आइए देखिए और चले मत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, है ना, डू सब्सक्राइब गाइस। वाओ यहाँ पे डियर्स भी हैं यार, है ना, थोड़ी दूर पे हैं, शान के बच्चे टाइप दिख रहे हैं, कहाँ गए, अरे शिप गया, दे घूम घूम कर ले, अरे यार देखो ये मंकी है, क्यूट से बच्चे, कितने क्यूट लग रहे हैं यार, छोटू छोटू हैं। तो ये राम भगवान की मंदिर है एक पास में, और अभी बंद है तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन यही आसपास यहाँ पे चाय बनाएंगे। धन्यवाद गलू, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस हैपन। सो ये तो क्योंकि अलकजार में कूल्ड ग्लव बॉक्स है ना, तो हम दूध उसी में डाल के ले आते हैं, एंड यस वाओ, वाओ अमेजिंग।
हमें ना सब देख देख के मस्त वाला जा रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हो। मिस्टर डीके, आपका ये चाय का ना वैल्यू 1 लाख होने वाला है मेरे लिए। अभी इतना मन था ना पीने का, ट्रस्ट मी। और अभी नहीं पहनेंगे सनग्लास बेटा, अंधेरा में नहीं पहनते हैं, धूप होने पर पहनते हैं। वाह, जो मजा आ रहा ना घर वाली चाय पीकर यहाँ, इतने दूर अपने घर में क्या ही बोलूं। आई एम लविंग दिस प्लेस, द वाइब्स एंड एवरीथिंग। आज का डे काफी फन फील्ड रहा, पता है। पहले तो बारिश हो गई, खाना खा रहे थे तभी झमझम झमझम बारिश हुई, तो हम जल्दी जल्दी खाएं और तब तक में बारिश रुक भी गई है ना। और फिर जगह जो हम घूमे हैं यार, काफी खूबसूरत प्लेस है ये कृष्णगिरी डैम, एंड टॉप ऑफ इट दिस चाय इज लव, है ना। एनी टाइम, मतलब इट्स ब्यूटिफुल। सो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन, और हाँ कमेंट्स करके हमें बताइए अपनी थॉट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है एंड ऑल, है ना। और हमने कुछ नया ट्राई किया, वो आपको कैसा लगा। सो अपना खूब सारा ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।